बता रहे हो अगर हम समझ रहे पाकिस्तान आराम से मैच जीत जाएगा, लेकिन ये हो नहीं सकता कि हमारा मुल्क हमारी टीम आराम से हमें खुशी दे दे। नाराज है ऐसी टीम पे यार, नाराज है। क्या यार, सबने स्टेटस भी लगा दिए थे वी आर विनिंग, पाकिस्तानी लुकिंग सैड, इंडियंस आर बैक। सैडली भाई पाकिस्तान मैच हार चुका है, हमारी टीम इस काबिल ही नहीं है भाई। मैं तो कहता हूँ सबको निकाल देना चाहिए, फारिग कर देना चाहिए, कोई मोहल्ले की टीमें मेरे पकड़ के उन लोगों को खिला देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। हाँ दोस्तों गाइस, भाई आज आपका भाई कोई प्रैंक शैंक शूट नहीं कर रहा है, आज आपका भाई बना रहा है डेली व्लॉग। इसकी वजह ये कि भाई आपको पता है कि जैसे भाई इंडिया और पाकिस्तान का T20 मैच है, आई थिंक तो बारिश शुरू हो गई है। मतलब क्या कौन जीता टॉस, कौन हारा, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ? जीत गया, पहली बॉलिंग थी, रोहित शर्मा आउट हो गया था, पैसे दिए। पैसे क्या खा रहे हो? प्राइस चेक कराओ जरा लेवल। सब हुआ है ब्रेक बारिश की वजह से, मैच इस वक्त रुक गया है, मैच जैसे स्टार्ट होगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अहमद के रिएक्शन कितना क्रेजी और कितना पागल हो जाता है मैच के पीछे। और अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे मैच हार गया ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके रोने पीटने किस कदर मचेंगे ना, कि जिसकी आदमी पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, रोने पीटने लगा जाता है घर में कि ये हार क्यों गया मैच। तो अभी तो मजे से बैठ के फ्राइज खा रहा है अहमद साहब। अगर पाकिस्तान मैच हार गया तो फिर क्या होगा? रोना आएगा। क्यों रोते हो तुम? हैं गाइस, भाई दोबारा से मैच शुरू हो गया, बारिश खत्म हो गई, विराट साहब खेलने के लिए आ गए। पाकिस्तान मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा ये तो वक्त बताएगा। मेरे हिसाब से जो ना बॉल होगी स्विंग और कोहली आउट इंशाल्लाह ताला। अगर ऐसा हो गया ना आपके 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल दो। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पहली बॉल दोबारा स्टार्ट हो गई है और ये चौका मार दिया। पहली बॉल पे आदि कोहली ने चौका लगाया भाई। हाँ ये चीज और ये मेरे ख्याल से आउट चौका। पागल हो गया, ऐसे बहुत से सीन आपको देखने को मिलेंगे भाई। ये देखें खोली 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 भाई का आउट दिखा देना, खोली भाई अपने घर जा रहे हैं, ये कैच लिए। बहुत से सीन आपको देखने को मिलेंगे, जज्बाती और रोने पीटने वाले सभी मिलेंगे, सफर करें आप लोग। रोहित शर्मा भी घर जाने वाला है मेरे ख्याल से। नहीं भाई, चौका मार दिया रोहित भाई ने। कोई बात नहीं दिया चौका दिया, कोई बात नहीं सर, टेंशन नहीं है। कोई एक आध रन तो बनाएंगे ना यार, अगर वो रन नहीं बनाएंगे तो जीतेंगे कैसे? हमें भी तो क्रिकेट खेलनी है ना थोड़ी बहुत। क्या बोलते हैं आप, हैं टेंशन नहीं लेने का साहब? खैर है। कौन शाहिन भाई आ गए, और शाहिन भाई आते ही अब जब तक मैच खत्म नहीं होगा ये लोग टीवी के आगे से हटने वाले नहीं है। मैं आपको भरपूर रिएक्शन भी मिलेंगे, मैं अहमद के मिलेंगे और मैं अहमद को सपोर्ट करूंगा उसके देश को। छक्का मार दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पागल हो गया, सब दिखा भी नहीं सकते। अगले आउट पे अपना चड्डा बिता रहे हो भाई। वो देखे गाड़ी तोड़ने, वो देखे रिएक्शन चेक कर रहे हैं। भाई पहन लो अभी शर्ट, वरना यूट्यूब हमें वो स्ट्राइक मार देगा। गाइस ये रिएक्शन आते हैं लोगों के। अहमद शर्ट पहनो यार, मैं तुम्हें कैप्चर करती हूँ। ये देखे थक गया बेचारा, रिएक्शन देखे। अहमद यार तुम इतने जज्बाती क्यों हो जाते हो यार, क्रेजी लवर है ये, क्रेजी नफ्सियाती पागल लवर है। हमारे ब्लॉग की ना एंडिंग देखने वाली होती, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान जीत जाए भाई। शाला भाई, दुआ तो हम करते ही, लेकिन हमें पता है होना क्या है। मैं किसने बोला ये रोए नहीं, ताकि हमारा मैच का टाइम अच्छा गुजर जाए। एंडिंग तो हमें पता है क्या होनी है ना अहमद, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, जीतेगा जीतेगा। किसको सलाम कर रहे हो? मोहम्मद आमिर को सलाम कर रहे थे, को लगा है ले लेता है। तो ग्राउंड के अंदर हेलमेट पहन के लोग आ गए। कंजे दूसरा कैच छोड़ दिया, कमबख्त हारिस के बच्चे।
बेचारे खुश होने खड़े हुए थे दोनों, बैठ जाए हम फरमाने। करवाली बेइज्जती, तीनों बहुत मजा है, तीनों बहुत मजा। कौन करवा रहा है बॉल? वो बैकग्राउंड म्यूजिक, वो चाहत फतेह अली खान। अच्छा मैंने अभी कैमरा बंद किया और आउट हो गया। हुआ कौन है आउट? उसको सब पता है। ऐसा शॉट था। अच्छा यहाँ अलग मैच चल रहा होता है, यहाँ अलग। अहमद आउट हो गया, जल्दी आउट हो गया। सूर्यमान जी आउट हो गया। हाँ नसीम का यार 95/5 हो आउट इंशाल्लाह। हार्पिक पांड्या छपरी आउट, आउट है, आउट है। ये यानी कि हार्पिक पांड्या नहीं, कौन पेंट गया? ये हो गया लंच ब्रेक, खाना खाया जा रहा है यहाँ पे। हमारा लंच ब्रेक हुआ, अंकल जी आपका ही लंच ब्रेक हुआ है, मुझे पता है। आप क्यों नहीं खा रहे भाई? आप जीतने के बाद खाएंगे। डिनर ब्रेक है, सही बात है। कौन आ रहे? फर्स्ट बॉल पे जाएंगे आउट हो जाए यार। चलो चौका हुआ है ना, आउट हो गया। अरे आउट हो गया, अरे सचिन आउट हो गई। यकीन नहीं आ रहा वकास। अरे मामा ऐसे हो गया, अभी हो गया आउट। वो ये देखे छोड़ दिया उसने की जगह नीचे आउट। बैंक हो गया, बैंक हो गया। मैं यही कह रही हूँ, हमारे सामने तो कैच मिस हुआ है। वो भी आ गया, मारने आता है, ये मारने आता है। आपने इसको गले क्यों लगाया? एक और 120 के अंदर अंदर रहेगा टारगेट। अभी 112 हुए ना, 120 से ज्यादा नहीं बनेंगे। कहा था इससे ऊपर नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। अभी उन्होंने रन रेट दिया है बेटा, जीत कहाँ से खाना लाए, खाना लाए। जीत कहाँ से गए? अहमद तुम्हें कैसे लग रहा है कि जीत गए? इतने तो वो लोग इतने भी नूबड़े नहीं है वो लोग। नूबड़े क्या होते हैं ये? नूब लोग जो चल। अब अहमद हो गया रिलैक्स, अहमद कह रहा है खाना ला के मैं। चलो खाना, चलो A few inches later. हाँ दोस्तों, गाइस पाकिस्तान की इनिंग स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट बॉल पाकिस्तान इरफान भाई खेलने जा रहे हैं। इरफान भाई ने फर्स्ट बॉल पे आई थिंक सो मेरे ख्याल से चौका लगा दिया है ना के साथ। चलो था। एनीवेज बैटिंग स्टार्ट हो गई, अल्लाह करे जीत जाए भाई। और आजम और रिजवान खेल रहे हैं और आई थिंक सो मेरे ख्याल से ओ आउट हो गया बाबा आजम गया। अभी अहमद ने ऐलान कर दिया पाकिस्तान मैच जीत गया, लेकिन भाई पाकिस्तान अभी अभी में आउट हो गया। 26 पे आउट हो गया। चलो दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। गाले। हाय मत क्या हुआ? बराबर आ गए, बराबर। हाँ बराबर आ गए। अब ना दोस्तों गाइस भाई पहली दफा पाकिस्तान इतना सुकून से और इत्मीनान से इंडिया से मैच जीत रहा है, क्या बोलते हैं आप इस बारे में, क्या कहेंगे आप? सो जाओ, मिस हो गया गाइस, आप लोगों ने मिस कर दिया यार।
अहमद का रोना मिस कर दिया आप लोगों ने। तो गाइस यार मैच हमारा हलक में आ गया, हमारी टीम जो है ना मतलब माफ करे हम लोग को हार्ट अटैक का मरीज बनाएगी यार। ये देखें रिजवान भाई भी आउट हो गए, क्या करें हम, समझते पाकिस्तान आराम से मैच जीत जाएगा, लेकिन ये हो नहीं सकता कि हमारा मुल्क हमारी टीम आराम से हमें खुशी दे दे। ये देख सकते हैं अहमद साहब का चेहरा सैड होता होता आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहा है। यार हद हो गई यार, ये इतने सदन यार हद हो गई। जिंदगी का तुम्हारा काम ही यही है, तुम्हारा पेशा यही है, तुम्हारी जॉब ये खेलना खेलना खेलना, उसके बावजूद भी यार ये हाल करते हैं जिसकी जानी है पाकिस्तान। अबे इस चांसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो प्रेडिक्ट बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की ये चांसेस हैं। अब पाकिस्तान की टीम आउट हो जा रही है, हमारे हार्ट अटैक आ रहा है ना, मुंह पे आ रहा है हमारा, डर लग रहा है ना हार ना जाए। तो एनीवेज भारत प्रेडिक्शन बता रहे पाकिस्तान 84% चांसेस है, इंडिया 16% चांसेस है। अल्लाह करे पाकिस्तान मैच जीत जाए तो अच्छी बात है भाई, नहीं जीतेगा क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। ये बुमराह जो है ना बड़ा खतरनाक बॉलर है यार, बात तो सही है। हर दफा ऐसा क्यों होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच एंड में आके फंसता ही है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इस दफा जीत गया पाकिस्तान, आराम से जीत गया, प्लेट में रख के हलवा दे दिया उन्होंने, लेकिन देखो अभी फिर सारे टेंशन में आके बैठ गए। क्यों होता है यार ऐसा हर दफा इंडिया पाकिस्तान के मैच में, जी यार देखें बेचारे सन्नाटे में आ गए। हमने कहा था ना हर मैच में ऐसा होता है, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। क्या यार सबने स्टेटस भी लगा दिए थे वी आर विनिंग, अजीब यार ना, अच्छा चल रहा था सब कुछ, सब मुतमईन थे, सब खुश थे, अचानक क्या हो गया यार। ये लोग आपने तो खुशी खुशी थंबनेल भी बनवा लिए थे विनिंग के। अब दोबारा सैड वाले थंबनेल्स बना के रख लो, कुछ नहीं पता कौन जीतने वाला है। ये देखिए भाई सैड वाला थंबनेल तो आ गया हमारे पास। दुआओं का वक्त है ये, रोने का नहीं है। मैं शर्ट उतरी थी अभी तो खुशी के मारे हैं, क्या हो गया। वापस पहन ली। अल्लाह अल्लाह हम लोग एक नंबर की बेकार टीम है, करो तो करे क्या, करो तो बोले क्या, एक नंबर की बेकार टीम है, इस बेकार टीम को कभी सपोर्ट नहीं किया करो तुम लोग। एक और आउट खास वो यहाँ से वहाँ चला गया रोने के लिए और मैच ने पूरी बाजी पलट दी है। क्या यार आज हम समझ रहे थे हमारे घर में रोना पीटना नहीं बचेगा मैच की वजह से, और ये देखें यार क्या हो गया वकास। इंडिया पाकिस्तान का मैच सुकून से हो जाए हो कहाँ सकता है ये, अहमद अभी हारा तो नहीं है। सो गाइस पाकिस्तानी फैंस मुरझा चुके हैं सारे, देख सकते हैं आप लोग, इंडियंस फैन जो है ना उनकी चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। चौके छक्के तो आते ही नहीं है हमारी टीम को मारने, इतनी जबरदस्त बॉलिंग करा रहे हैं इंडिया और फंस गया मैच। 10 बॉलों पे 20 रन है ना, 9 बॉलों पे 20 रन गया गया, आउट हो गया, आउट हो गया ये भी। इमाद वसीम गया, अच्छा सैडली भाई पाकिस्तान मैच हार चुका है, जीता हुआ मैच हारा है, क्या कर सकते हैं भाई। लास्ट बॉल हार गया यार, अहमद तो है ही नहीं, क्या उसके एक्सप्रेशन से हैं, वो तो रूम में जा चुका है, देख सकते हैं आप लोग यार अफसोस की बात, जीता हुआ मैच हम लोग हारे। सो गाइस भाई फाइनली फाइनली पाकिस्तान के बुरे तरीके से मैच हार गया, जीता हुआ मैच प्लेट में रखा हुआ मैच दिया था इंडिया ने कि भाई जीत सको तो जीत लो, लेकिन नहीं कि हमारी टीम इस काबिल ही नहीं है भाई, मैं तो कहता हूँ इन सबको निकाल देना चाहिए, फारिग कर देना चाहिए, कोई मोहल्ले की टीम में पकड़ के उन लोग खिला देना चाहिए। यार हद होती है ना यार, हद होती है, लेकिन बस हम मैच सब साथ तकरीबन सभी सेट हो गए होंगे, सबने स्टेटस लगा दिए थे विनिंग विनिंग जीत गया जीत गया जीत गया, भाई सबके स्टेटस हट गया, सब खत्म हो गया, पाकिस्तान मैच हार गया, बच्चा भी सेट हो गया। करता हूँ ब्लॉग को यहीं पर एंड, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा, नहीं बात है, तो मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, थैंक यू तो मुझे, अल्लाह हाफिज़।